हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कमलेश सक्सेना, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकबत्ता। आज की वीडियो क्लास के लिए है, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है, उपविषय है हमारा आवास। ठीक है, पाठ हमारा चौथा चल रहा था बच्चों, और प्रकरण है हमारा मानचित्र। देखिए बच्चों, मानचित्र में मैंने इसे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र हम कह सकते हैं कि किसी चपटी सतह पर खींचा गया कोई एक ऐसा आरेखण हो सकता है जिसकी सहायता से हम किसी भी बातों को बता सकते हैं, किसी भी स्थल की रूपरेखा को बता सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए उसमें मैंने आपको कौन कौन से मानचित्र बता दिए थे। देखिए, एक भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र के विषय में आप लोगों को बताया था। ठीक है ना, और साथ ही साथ आज हम मानचित्र के कुछ घटक हैं इनके विषय में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, कि मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं जो मानचित्र के अंतर्गत हम रख सकते हैं, और जो पैमाने के माध्यम से हम जो मानचित्र तैयार कर रहे हैं उनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कि ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिनको रखा जाता है। तो वो है हमारी दूरी है, दिशा है और प्रतीक होते हैं। लेकिन आज हम दिशा और आपको दूरी के विषय में बताने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। ठीक है, तो मानचित्र एक आरेखण होता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। मानचित्र क्या होता है, छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन इनको इतनी सावधानी से बनाया जाता है मानचित्रों को, कि कोई भी चीज इनकी जो होती है छूटे नहीं, जो मतलब स्थल की जो वास्तविक रूप है या दूरी है जो वास्तविक, वो छूटे नहीं। ठीक है ना, ये तभी हो सकता है जब हम कागज एक छोट मतलब एक कागज पर हम क्या करते हैं, छोटी दूरी होती है लेकिन स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। अगर हम किसी भी चीज का मानचित्र बना रहे हैं तो हमें ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो स्थल की बड़ी दूरी है उसको हम मानचित्र पे किस प्रकार से छोटे दूरी पर व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इसके लिए एक बड़ा पैमाना दिया जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है ना, जैसे कि हम उदाहरण के लिए आपको ये समझाएं कि मानचित्र में अगर हम वही चीज है वास्तविक, उसकी जो दूरी है मानचित्र के आधार पर तो हम कम लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक की बात करते हैं, अगर 10 किलोमीटर की दूरी को बता रहा है स्थल की, तो वही अगर हम मानचित्र में सिर्फ 2 सेंटीमीटर की मानकर चलते हैं मानचित्र में, लेकिन वही अगर 5 किलोमीटर की दूरी को दिखा रहा है स्थल में, तो 1 सेंटीमीटर रखते हैं। तो मानचित्रों में विशेष रूप से दूरी का बहुत महत्व होता है कि हम दूरी को किस प्रकार से रख रहे हैं ताकि हमारी कोई भी चीज से छूटे नहीं। ठीक है ना, तो अगर हम बड़े क्षेत्रफल की बात करें तो बड़े क्षेत्रफल वाले भागों में क्या होते हैं, जैसे कि महाद्वीप हो गए, देश हो गए, ये इन देशों को कागज पर दिखाना होता है हमें, जो बड़े क्षेत्रफल वाले होते हैं, तब हम छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि स्थल में वही चीज 500 किलोमीटर को दिखा रहा है, लेकिन वही अगर हम बड़े मानचित्र बनाएंगे, क्षेत्रफल वाले बड़े मानचित्र बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उस मानचित्र में 500 किलोमीटर की जो दूरी होगी उसको हम कितने में दिखाएंगे, 5 सेंटीमीटर में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको छोटे पैमाने वाला हम मानचित्र कह सकते हैं। ठीक है ना, तो अब बात हम करें छोटे क्षेत्रफल वाले मानचित्रों की, तो ये ऐसे भाग हैं जैसे आपके गांव, शहर, इनको दिखाना होता है, तो ये बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, छोटे क्षेत्रफल की जो चीजें होती हैं उसमें हम ज्यादा अच्छे से चीजों को दिखा सकते हैं। बड़े पैमाने अगर बड़े क्षेत्रफल की चीजों को ले रहे हैं तो हम चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो दूरी होगी उनको ध्यान में रखेंगे, लेकिन जो छोटे क्षेत्रफल वाली चीजें होती उन्हें हम ज्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं मानचित्रों के माध्यम से। जैसे कि अगर हम छोटे क्षेत्रफल वाले मानचित्रों में एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि 500 मीटर की अगर दिखा रहा है इस स्थल की दूरी 500 मीटर की दिखा रहा है, तो हम मानचित्र में उसको 5 सेंटीमीटर का ही रखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र है। ठीक है ना, ये जो छोटे क्षेत्रफल वाले होते हैं इनको हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, और जो बड़े क्षेत्रफल वाले होते हैं इनको हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं।
ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। और साथ ही साथ जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र हैं, ये छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक जानकारी देते हैं, क्योंकि जितने छोटे मानचित्र होते हैं उतनी क्या होता है, मानचित्रों को समझने में हमें सहायता मिलती है, ठीक है ना। अब बात जो मानचित्र के घटक हैं, ये तो मैंने आपको बताया किसके बारे में, दूरी के बारे में, कि हम मानचित्रों में दूरी को कैसे दिखाते हैं। अब बात हम करते हैं दिशा की, जो दूसरा घटक है मानचित्र का, दिशा, ठीक है ना। तो दिशा में क्या होता है, अधिकतर मानचित्रों में दिशा लिखा जाता है, ठीक है ना, कि कौन सी दिशा है। जैसे कि हम यहाँ दिशाओं को दिखाने के लिए मैंने किया है, तो दिशा को जब हम जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि किस दिशा में हमें जाना है। अगर मानचित्रों में दिशा को व्यक्त किया जाता है तो हमें पता चल जाता है हमें किस दिशा में जाना है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। जैसे कि हमने ये दिखा रखा है आपको, इसे प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। अगर हमें मानचित्रों में दिशाओं को दिखाया जाता है, तो अगर दिशाओं के बारे में ज्ञात है तो हम आसानी से उस दिशा में जा सकते हैं। जैसे कि ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है, ये पूरब की है, ये पश्चिम की है। अगर उत्तर की दिशा में खड़े हैं तो उत्तर पश्चिम की ओर जाना है तो ये इधर को जाना होगा, लेकिन वही अगर उत्तर पूरब में जाना होगा तो दिशाएं क्या करती है, कई प्रकार से सहायता प्रदान करती है। तो अगर दिशाओं का सही सही ज्ञात है तो व्यक्ति क्या करता है, मानचित्रों के माध्यम से दिशा को ज्ञात कर सकता है, ठीक है ना। अब और जो बीच की चार है, ये आपको पता ही है, अगर उत्तर की दिशा में है तो उत्तर पूरब है, और ये उत्तर उत्तर पश्चिम के बीच की है तो ये उत्तर पश्चिम हो गई, और ऐसे ही पश्चिम और दक्षिण के बीच की है तो ये क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई, और ये पूरब और दक्षिण के बीच की जो है रेखा, इसे दक्षिण पूरब कहेंगे, और उत्तर पूरब के बीच की उत्तर पूरब, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्थितियों का हम पता लगाया जा सकता है प्रधान दिग बिंदु के माध्यम से, दिशा के द्वारा, ठीक है ना। अब यहीं पर आता है हमारा दिक सूचक। दिक सूचक क्या होता है, देखिए दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक यंत्र है जिसे हम दिक सूचक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यह इसकी सहायता से क्या है, मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है कि मुख्य दिशाएं हमारी कौन सी है। इसमें क्या होता है, इसका जो चुंबकीय सुई की दिशा होती है, हमेशा इसकी चुंबकीय सुई की दिशा होती है हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करती है, तो इसलिए दिक सूचक के माध्यम से भी हम दिशा का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको आज मानचित्र में दूरी और दिशा के बारे में बताया, तो ये आपको दिशा के माध्यम से समझ आया, दूरी को हम किस प्रकार से अधिक दूरी को कम में बता सकते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।